अभी तो चले जो भी हो रहा है इंडिया के हर स्टेट में, बिल्कुल जितने हम सही शहरों कह को रहे हो, देख चुके हैं, वहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा काम हो रहा सब का है। सब अच्छा काम हो रहा बिल्डिंग है। वगैरह भी हर शहर में तकरीबन बहुत अच्छी देखो है। हाँ एक से बढ़कर एक है। ये दोस्तों, मैं हूँ परम शबीर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और मैं हूँ दानिश अली। दोस्तों आज हम एक वीडियो प्रोडक्शन देने वाले हैं, ये भी ट्रेन के हवाले से है, जो कि हम मुसलसल 2-3 पहले दे चुके जी हैं वीडियो पे, ट्रेन रील पर भी दे चुके हैं, वैसे मेट्रो सिस्टम पर दे चुके हैं जी और और लोकल लोकल रेलवेज पर भी जी दे, बिल्कुल बिजनेस रेलवे पर भी दे चुके हैं। तो आज ये अपकमिंग जो ट्रेन हैं इंडिया की, उन पर आज डायरेक्शन देने वाले हैं कि इसमें कौन कौन सी ट्रेन शामिल की गई है, कौन कौन से शहरों में है जी और क्या क्या इसने बताया है, उनके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं दी है। बिल्कुल। तो ये वीडियो देखेंगे फिर पता और ये चलेगा। किस हाँ किस शहर में वाले चल रही है, चाल रही है, आपका मैं अभी जाना वो आने वाली है। आने हाँ वाली है, और किस शहर में ये चलेगी। हाँ ये पता चलेगा ना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फिर इस पर आपको रिव्यू देते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर दबाएं ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द अज जल्द पहुँचती रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेट्रो रेल्स के बारे में। दोस्तों वैसे तो 1984 में कोलकाता में मेट्रो रेल लॉन्च की गई और ये इंडिया की पहली मेट्रो रेल थी। उसके बाद 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल लॉन्च हुई और ये इंडिया की पहली मॉडर्न मेट्रो रेल थी। लेकिन दोस्तों उसके बाद किसी और सिटी में 2010 तक मेट्रो रेल लॉन्च नहीं हुई, लेकिन 2011 में नंबा मेट्रो यानी बेंगलोर मेट्रो रेल लॉन्च हुई। यानी 1984 से लेकर 2011 तक इंडिया के सिर्फ 3 शहर में मेट्रो रेल अवेलेबल थी। लेकिन दोस्तों 2018 आते आते ये जो नंबर 3 था अभी 10 हो चुका है। और दोस्तों ऐसे बहुत से सिटीज हैं जिसमें अभी मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन अभी ऑपरेशनल नहीं हुई, तो इन सिटीज के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नोएडा मेट्रो रेल की। इसको 2014 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, 2015 से इस पे काम चालू हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के दो ट्विन सिटीज नोएडा और ग्रेटर नोएडा, इन दोनों को लिंक करेगी। और अभी इसका फेस वन अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी टोटल लेंथ 29 किलोमीटर एस्टिमेट की गई है और इसमें 21 स्टेशन आएंगे। इसको बनाने की कीमत 5,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है और इसको नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिल्ड और ऑपरेट करेगी। दोस्तों सितंबर 2018 तक ये मेट्रो रेल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इस पर ट्रायल रन भी किए जा रहे हैं। सरकार का दावा ये था कि अक्टूबर 2018 तक इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसको ऑपरेशनल नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों दिसंबर या जनवरी 2019 तक इसको पूरी तरीके से ऑपरेशनल किया जा सकता है। अगर दिसंबर 2018 तक ये मेट्रो रेल ऑपरेशनल होती है तब ये उत्तर प्रदेश की दूसरी जबकि इंडिया की 11th मेट्रो रेल होगी। अब बात करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सिटीज पर मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से सिर्फ एक सिटी मुंबई में मेट्रो रेल ऑपरेशनल हुई, बाकी के 3 सिटीज में अभी ऑपरेशनल नहीं हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नागपुर मेट्रो रेल की। फरवरी 2014 में नागपुर मेट्रो रेल को अप्रूवल दी गई, फिर मई 2015 से नागपुर मेट्रो रेल पे काम चालू हुआ। दोस्तों इसका फेस वन अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसमें 2 लाइंस है जिसकी टोटल लेंथ 43 किलोमीटर है, जिसमें 42 स्टेशन आएंगे। और अभी लाइन 1 जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर या ऑरेंज लाइन भी कहते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसमें से 14 किलोमीटर की ट्रैक कंप्लीट कर ली गई है। दोस्तों वैसे तो ट्रायल रन सितंबर 2017 से किए जा रहे हैं नागपुर मेट्रो रेल पे, लेकिन अभी तक नागपुर मेट्रो रेल ऑपरेशनल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों सरकार का दावा यह है कि 2019 मार्च से पहले नागपुर मेट्रो रेल ऑपरेशनल हो जाएगी। और जब हम इसके कॉस्ट की बात करेंगे तो 8,260 करोड़ रुपए एस्टिमेट किए गए हैं नागपुर मेट्रो रेल को बनने में, जिसमें से 20% स्टेट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% लोकल बॉडीज पे करेगी, और बाकी के जो 50% है उसको पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा फंडिंग की जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों पुणे मेट्रो रेल भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दिसंबर 2016 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था और इसकी जो टोटल नेटवर्क है वो 54 किलोमीटर की है,
जिसमें 53 स्टेशन आएंगे और इसको बनाने की कीमत 11,500 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। और इसकी फंडिंग भी नागपुर मेट्रो रेल की तरह ही की जा रही है, यानी 20% स्टेट गवर्नमेंट, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% लोकल बॉडीज करेंगे और बाकी के 50% पीपीपी के जरिए किया जाएगा। दोस्तों पुणे मेट्रो रेल को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, जबकि फेज 1 और फेज 2 महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बना रही है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको कंप्लीट करने का टारगेट 2021 है। और जबकि फेज 3 पुणे मेट्रो रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रही है, ये पीपीपी के जरिए किया जाएगा और इसको बनाने के लिए टाटा रियल्टी और सीमेंस नाम की कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अवार्ड कर दिए गए हैं और इसका काम दोस्तों 2019 में शुरू होगा और 2022 तक ये लाइन भी कंप्लीट हो सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की 4th सिटी जहां पे मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो है नवी मुंबई मेट्रो रेल। दोस्तों वैसे तो इसका 100 किलोमीटर का नेटवर्क अप्रूव कर दिया गया है और अभी लाइन 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी टोटल लेंथ 23 किलोमीटर है, जिसमें 20 स्टेशन आएंगे और इसको बनाने की कीमत 4,000 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। और इसको दोस्तों सिटको यानी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रही है और दोस्तों ये 2019 में कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल 2020 से पहले ये लाइन ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके अलावा लाइन 2 और लाइन 3 भी प्लान्ड है, जिसको नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी फंड करेगी। तो दोस्तों ये हो गई बात महाराष्ट्र की, अब बात करते हैं इंडिया के एक और स्टेट गुजरात की। दोस्तों गुजरात में 2 सिटीज में मेट्रो रेल आने वाली है और वो है अहमदाबाद और सूरत। दोस्तों मेगा मेट्रो लिंक एक्सप्रेस पर गांधीनगर एंड अहमदाबाद अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों ये मेट्रो रेल अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों को लिंक करेगा। इसके लिए 2014 अक्टूबर में अप्रूवल दी गई थी और इसका काम दोस्तों मार्च 2015 से चालू हुआ है और अभी फेज 1 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी टोटल लेंथ 39 किलोमीटर है और इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है और वो है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इनको बनाने की कीमत 10,700 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। और जब हम प्रोग्रेस की बात करेंगे तो अभी तक 6 किलोमीटर की ट्रैक कंप्लीट हो चुकी है और उस पे ट्रायल रन करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इसके ट्रायल रन जनवरी 2019 से चालू हो सकता है और ये मेट्रो रेल 2020 तक ऑपरेशनल हो सकती है। दोस्तों सूरत मेट्रो रेल की बात करने से पहले हम बात करते हैं गाजियाबाद की। दिल्ली मेट्रो रेल को ही गाजियाबाद तक एक्सटेंड किया गया है। ये ट्रैक 9.4 किलोमीटर की है, जो दिलशाद गार्डन दिल्ली में है वहां से लेके मधेपुरा जो गाजियाबाद में है वहां तक ये ट्रैक डाली गई है और ये कंप्लीट हो चुकी है। इस पे ट्रायल रन्स भी किए जा रहे हैं। दोस्तों नवंबर 2018 या दिसंबर 2018 तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो सकती है। इसको बनाने की कीमत 2,210 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। लेकिन दोस्तों हम गाजियाबाद को एक सेपरेट मेट्रो रेल में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो रेल है उसी को एक्सटेंड किया गया है और उसकी बॉडी जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसीलिए हम इसको एक सेपरेट मेट्रो रेल में ऐड नहीं कर सकते। अगर इसको एक सेपरेट मेट्रो रेल में ऐड करते हैं तब अहमदाबाद और गांधीनगर इनको भी एक सेपरेट मेट्रो रेल में ऐड करना पड़ेगा और हैदराबाद सिकंदराबाद को भी एक सेपरेट मेट्रो रेल में ऐड करना पड़ेगा। और दोस्तों अभी तक जो भी मेट्रो रेल हमने आपको बताया है, नोएडा से लेकर अहमदाबाद मेट्रो रेल, ये सभी दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्राउंड पे इस पे काम किया जा रहा है और दोस्तों 2020 दिसंबर से पहले ये सभी ऑपरेशनल हो जाएंगे और ऑपरेशनल होने के बाद जो इंडिया में मेट्रो रेल का नंबर 10 है वो बढ़कर 15 हो जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस मेट्रो रेल की जो अप्रूव हो चुकी है लेकिन लिटिगेशन में है, अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सूरत मेट्रो रेल की। दोस्तों जनवरी 2017 में सूरत मेट्रो रेल को अप्रूव किया गया। इसकी टोटल लेंथ 40 किलोमीटर है, जिसको 2 लाइंस में डिवाइड किया गया है, एक लाइन 22 किलोमीटर की और दूसरी लाइन 18 किलोमीटर की होगी। इसको बनाने की कीमत 12,800 करोड़ रुपए एस्टिमेट की गई है। दोस्तों इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया गया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया है और फिर से रिवाइज डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जा रही है और ये कंप्लीट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा अप्रूवल के लिए और जैसे ही वो अप्रूव हो जाएगी इसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाएगा। और दोस्तों इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी 3 सिटीज है जहां पे मेट्रो रेल लॉन्च होनी है लेकिन पेपर वर्क के कारण अभी इसका काम चालू नहीं हुआ और वो 3 शहर कानपुर, आगरा, मीरठ है। दोस्तों कानपुर में 35 किलोमीटर की ट्रैक को बनाना है, जिसमें 23 स्टेशन आएंगे और इसको 2 फेज में डिवाइड किया गया है, जबकि आगरा में 30 किलोमीटर की लेंथ जिसमें 30 स्टेशन आएंगे और मीरठ में 35 किलोमीटर की लेंथ जिसमें 29 स्टेशन आएंगे। और ये 3 मेट्रो रेल प्लान किए गए थे। और उसके अलावा दोस्तों 4th मेट्रो रेल जो वाराणसी में प्लान किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है कमर्शियली सपोर्टिव ना होने के कारण और फंड्स ना होने के कारण। और अभी ये जो 3 मेट्रो रेल्स है उसको जनवरी 2018 में अप्रूवल दी गई है। पहले अप्रूवल मिली थी
फिर उसको कैंसिल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में डालिए। इसके बाद जनवरी 2018 में इसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, और अभी इसका स्टेटस ये है कि इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन चुका है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज दिया है। जैसे ही सेंट्रल इसको अप्रूव कर देगा, इसके टेंडर्स निकाले जाएंगे और इस पे काम शुरू होगा। और दोस्तों, इसको कितना समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, एक महीना भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है, ये पूरा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। और दोस्तों, बिहार के कैपिटल सिटी पटना में भी मेट्रो रेल आने वाली है, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव कर दिया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के दो शहर विजयवाड़ा विशाखापट्टनम, मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल और इंदौर, केरला के दो शहर तिरुवनंतपुरम कोझिकोड है, तमिलनाडु का एक सिटी कोयम्बटूर, इन सभी सिटीज में भी मेट्रो रेल अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी इसका पेपर वर्क बाकी है, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम किया जा रहा है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी के डीपीआर को अप्रूव कर देगी, यहाँ पे भी मेट्रो रेल का काम चालू हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो जो मेट्रो रेल अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऑपरेशन नहीं हुई है, इसके अलावा जो जो प्रपोज मेट्रो रेल है उसके बारे में बात की है। अगले वीडियो में दोस्तों, हम उस मेट्रो रेल्स के बारे में बात करेंगे जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, लेकिन उसकी लेंथ एक्सपैंड की जा रही है, यानी दूसरे फेज पे भी उसके काम किया जा रहा है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द मेट्रो रेल का काम इन सभी सिटीज में भी चालू हो जाए। अगर दोस्तों सरकार तेजी से काम करती है, तो 2024 तक इन सभी सिटीज में कम से कम एक लाइन में मेट्रो रेल ऑपरेशनल हो सकती है। और आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बता दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हमने देख ली है, तो इसने तो जैसे वो पहले वीडियोस पे हम रिएक्शन दे चुके हैं, वीडियोस पे उसमें मुकम्मल तफसील बताई जा रही है उस लड़की की तरह, तो इसने भी इसमें मुकम्मल तफसील बताई है और काफ़ी सारी ट्रेन दिखाई हैं। हाँ, इसने काफ़ी सारी दिखाई हैं, तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन है जिन पर अभी काम जारी है, तो इसमें तो सबसे बड़ी दानिश पुणे पर ही है। जी, पुणे जो है मेट्रो रेल है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा एरिया उसने घेरा हुआ है। बिल्कुल, तकरीबन 54 किलोमीटर जो है वो रोजाना डेली बुनियाद पर चलती है। चलेगी, जहरी बात है, और तकरीबन 3 हिस्सों में उसको बांध दिए गए। हाँ, 3 हिस्सों में जो 2021 तक मुकम्मल हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है। और भी बहुत सारे इसमें जिन पे हम शहरों पर रिव्यू दे चुके हैं, अहमदाबाद हो गया, गुजरात में है वो बिल्कुल उस पे, और महाराष्ट्र जो कि उसके 4 शहरों को लिया गया है, उन पे भी कंस्ट्रक्शन जारी है ट्रेन का। और कुछ ऐसी हैं ट्रेनें जिन पर अभी अप्रूवल उन्हें नहीं मिला, बिल्कुल जिनकी बुनियाद अभी नहीं लिखी गई, 2019-20 में लिखेंगे। हाँ, वो होगी, अप्रूव होंगी, और गलत 2024 तक जो है वो 24-25 तक वो भी मेरे ख्याल में मुकम्मल हो जाएंगे, तो उनके जरिए भी वो भी शहरों में शुरू हो जाएगा उनका। और नोएडा जो मेट्रो रेल है वो गलबन 2018 सितंबर को अब होनी थी, लेकिन तो अभी ये पता नहीं है वीडियो किस डेट की है, ये तो मैं ऐसे चेक करूंगा बाद में कि ये वीडियो इसने किस डेट को अपलोड किया है, तो सितंबर 2018 तो गुजर चुका है ना। जी बिल्कुल, ये जैसा बता रहा था कि अभी वो नहीं शुरू हुई, और 2019 से जनवरी 2019 में गलबन शुरू हो जाएगी। हाँ, वो भी शुरू होगी ना, तो ये तो एक अच्छी बात है। हाँ, नए साल में शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, तो जैसे बाकी है, इसने बताया कि 1984 में जो है रेलवे जी कोलकाता में शुरू हुई थी पहले, सबसे पहले वो, लेकिन वो की लो लेवल की तो मॉडर्न जो आई है उसमें 2002 में आई है दिल्ली में, तो उसके बाद तो सब मॉडर्न ही आ रही है, सब ही अच्छे उनमें काम हो रहा है, सब अच्छी तरह अपना मुकम्मल कर रही है। बिल्कुल, तो और सबसे ज्यादा जो वो है पैसा लग गया है गालबन पूना वाली। हाँ, ये बड़ा है इसमें 11,500 करोड़ का। हाँ, इसमें बड़ा एरिया ना, तो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी पैसा चाहिए ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है। और नवी मुंबई में भी शुरू होने वाली है, वो उस पर भी काम होगा, जो अभी मेरे ख्याल में अभी उन पर काम कागजात का काम नहीं करा था, तो उसके बाद उस पर बुनियादें रखी जाएंगी और फिर होगा शुरू। बिल्कुल, तो ये भी अच्छी बात है। और इसका नहीं पता यार, मुंबई में वैसे मेट्रो चल रही है, चल रही होगी, क्योंकि इंडिया के हर शहर में जो है यार। हाँ, जिन में जितने हम दे चुके हैं रिएक्शन उनमें तो हर हर सिटी में जो है दिखाई दिया है मेट्रो, उसमें भी जाहिर बात होगी मुंबई इतना बड़ा शहर जो है। हाँ, ये बात है कि उसमें हो सकती है, अगर क्या पता होगी या नहीं होगी, आप हमें बता दें, अगर है तो बता दें, नहीं है तो तभी बता देंगे उसमें मेट्रो है कि नहीं है। महाराष्ट्र के जो 4 शहरों में भी ये गलत दिखाई गई है मेट्रो रेल चलेगी। हाँ,
ये तो अच्छी बात है। और गुजरात के दो शहरों में तो काफी सारे बिल्कुल शहरों में कवर हो रहा है ना, इस जी, पर काम हो रहा ये है। तकरीबन 8-10 ट्रेनें होंगी हाँ, इतनी तकरीबन कहाँ हो जाती है जो है तो। हर साल के न्यू ईयर में जो है चलेंगी। हाँ इतना होगा ना काम तो। ये है ना बात है कि 29 सूबे हैं इंडिया के, जी तो कई सूबों में अभी तक मेट्रो की सर्विस नहीं है, बिल्कुल तो जिन पे काम हो चुका है इसने तो वो बताया, जिन पे काम हो रहा है वो इसने जी। बताई है ना चीज़ें, अभी ट्रेन या जिन पे काम होने वाला होने है वाला है उसके बारे में इसने जिक्र जी किया है। तो अभी और सूबों में भी काम शुरू होगा, जी तो बिल्कुल साथ साथ वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में गालबन 2040 तक जी तकरीबन पूरे बिल्कुल इंडिया में मेरे से हिसाब से जी तो ट्रेनों का रेलवे जाल बिछ जाना जी चाहिए बिल्कुल मुकम्मल, जैसे ये काम इन पर जारी है। बिल्कुल काफ़ी सारी रेलवे जो है लाइन बिछी हुई थी तो हमें तो इन्फॉर्मेशन सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत इसने बिल्कुल। डिटेल में इन्फॉर्मेशन बताई है। तो हर साल इतनी तरक्की होती है, हाँ इतनी तरक्की हो रही है एक इंडिया, रेलवे जो है लाइन भी बन जाए तो वो बड़ी बात है हाँ इतना ही है ना, वो मेट्रो पे चल रही है और वैसे बिल्कुल लोकल रेलवे भी बहुत बड़ी चल रही है, जी क्योंकि इंडिया के एरिया बहुत ज़्यादा है ना, काफ़ी ज़्यादा है रकबा बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनको ज़्यादा ट्रेनें भी जी, चाहिए, बसेस भी चाहिए, ऑटो टैक्सी वगैरह और भी चाहिए टैक्सीज वगैरह और एयरपोर्ट्स वगैरह, जी बिल्कुल। तो जाहिर ये बात तो है इतनी आवाम को जो है हाँ संभालना मुश्किल संभालना हो वो जाता हो है जाता है ना ठीक है, लेकिन वो अपना कवर कर रहे हैं सब कुछ बिल्कुल। अच्छी तरीके से लेके चल हर रहे हैं, कोई हर सूबे को अच्छे, बाइक हर जी सूबे को अच्छी तरह लेके चल रहे हैं। हर कोई बाइक्स वगैरह नहीं ले सकता हाँ ये बात है ना, लेकिन वो भी यार ऐसा दौर भी तो आएगा ना कि हर जी एक के पास बिल्कुल सब लोगों के पास जी। बाइक होगी ना, बाइक जो तो बाइक वाले हैं वो कार में चले जाएंगे ये भी हो जी सकता है। तो देखते हैं अभी तो बड़ा वक्त है, ऐसा अगर बिल्कुल वक्त आ जाए तो पूरे समझो एक पूरे इंडिया में अगर सबके पास बाइक जी हो जाए, पूरे पाकिस्तान में सबके पास बाइक हो जाए, बिल्कुल तो वो तो फिर जवाल रिवाइव कंट्री हो जाएंगे, जी तो फिर हम उनके टक्कर के हो जाएंगे ना, बिल्कुल अमेरिका के या जी इसके इंग्लैंड के। हाँ जी पैदल चलने वाले लोग कम हो जाएंगे ये बात है, तो अभी तो चले जो भी हो रहा है इंडिया के हर स्टेट में, बिल्कुल जितने हम शहरों को देख चुके हैं वो उनमें बस काफ़ी अच्छा काम हो रहा सब है, का सब अच्छा काम हो रहा बिल्डिंग है वगैरह भी हर शहर में तकरीबन बहुत अच्छी बिल्कुल है। एक से बढ़कर एक है हाँ ये बात है, हम जितने अभी तक देखे हैं वो तो किसी में कोई इतनी कमी नहीं नज़र आई। जी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों खास तौर पर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी डेली अपडेट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।